हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायस पट्टी, जिसे कि उरेर पट्टी भी कहते हैं, उसके द्वारा मैं आपको राउंड नेक बहुत ही फिनिशिंग और इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने 2 लेयर फैब्रिक लिया है। इस पर हम एक डायगनल लाइन खींचेंगे, तिरछा इस तरीके से, फिर 1.25 इंच चौड़ाई ले लेंगे। इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। उसके बाद इन दोनों लाइनों को हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हम दोनों पट्टियों को काट लेंगे। उसके बाद दोनों पट्टियों को अपोजिट डायरेक्शन में रखकर सिलाई करेंगे। इस तरीके से मैंने ढेर सारी पट्टियाँ काट ली हैं, जितनी मुझे ज़रूरत है। आपकी सारी पट्टियाँ तिरछी ही कटी होनी चाहिए, डायगनल ही। देखिए, ये पट्टियाँ 1.25 इंच की हैं। सारी पट्टियाँ आपकी एक ही साइज की होनी चाहिए। इस तरीके से हम सारी पट्टियों को एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए, मेरी सारी पट्टियाँ ज्वाइंट हो चुकी हैं। ये मेरे पास एक पैटर्न कट किया हुआ है, जो राउंड नेक का है। आइए देखते हैं हम किस तरीके से पट्टी को लगाते हैं। ये कपड़े का बैक साइड है और हम पट्टी को फ्रंट साइड में रखेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।
इस तरीके से हम गले पर उरेब पट्टी लगाने के बाद छोटे छोटे गले पे कट्स डालेंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। आइए एक बार फिर से देखते हैं, इसे इस तरीके से फोल्ड करते हैं और इस पे एक सिलाई डालेंगे। पूरे गले पे हम इसी तरीके से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग करेंगे। ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया है, इसे आयरन करेंगे, ये फिनिशिंग अच्छे तरीके से बैठ जाएगी। अब मैं यहाँ साइड में आर्म होल में पट्टी लगा रही हूँ। आर्म होल की भी पट्टी हम वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने राउंड गले पे पट्टी लगाई है। देखिए हमने ये उरेब पट्टी लगा ली है और ये हम फ्रंट बैक दोनों साइड लगाएंगे जहाँ हमें ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ राउंड नेक पे लगाई है और चूंकि ये पैटर्न स्लीवलेस है इसलिए मैंने आर्म होल पे भी ये पट्टी लगाई है। अब यहाँ फ्रंट और बैक जॉइंट करने से पहले सारे में आयरन करेंगे। आइए इसे आयरन कर लेते हैं। जितने भी श्रिंक आए हुए हैं आयरन करने के बाद ये बिल्कुल सब खत्म हो जाएंगे और अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। ये देखिए हमारा गला बिल्कुल रेडी है और फिनिशिंग के साथ है बिना किसी पेस्टिंग के। आप भी इसे ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।